स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का आपके ही अपने चैनल हैप्पी आर चेंज द लाइफ के अंदर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद अपनी वीडियो के ऊपर ऐड कैसे लगाएं, कैसी मल्टीपल ऐड लगाई जा सकती है अपनी वीडियो के अंदर, कैसे ज्यादा से ज्यादा अर्निंग आप कर सकते हो, और दोस्तों कौन कौन सी वो सेटिंग है जो आपको मोनेटाइजेशन ऑन होने के बाद करनी चाहिए। तो सारी जानकारी दोस्तों आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी, साथ में मैं आपको प्रूफ भी दिखाऊंगी कैसे आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, कैसे आप ऐड लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन की घंटी को प्रेस जरूर कर लेना, क्योंकि आपको हर जानकारी इस चैनल के ऊपर मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपका चैनल मोनेटाइजेशन ऑन होने वाला है या अंडर रिव्यू के अंदर है, और आपको दोस्तों ऐड लगानी सीखनी होगी कि कैसे आपको अपनी वीडियो के अंदर ऐड लगानी है, कैसे मल्टीपल ऐड लगानी है, तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। दोस्तों ऐड तब लगा सकते हो आप जब आपका चैनल दोस्तों मोनेटाइजेशन ऑन हो जाएगा, उससे पहले ऐड नहीं लगेगी। तो जैसे आप अपनी वीडियो को करोगे अपलोड क्रोम ब्राउजर से या किसी भी ब्राउजर से, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन का एक फीचर आएगा, आपने इसके ऊपर कर देना क्लिक। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद नीचे ऐड आ जाएंगी जो भी आपकी वीडियो के अंदर लगा सकते हो। आप स्किपेबल ऐड लगा सकते हो, नॉन स्किपेबल ऐड लगा सकते हो, स्पॉन्सर ऐड लगा सकते हो, ओवरले ऐड लगा सकते हो, डिस्प्ले ऐड लगा सकते हो, मतलब जो चार पांच ऐड आप कोई भी ऐड लगा सकते हो। आपने क्लिक करना है इसके नीचे जो बॉक्स बने हैं सभी के अंदर आप क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी वीडियो के ऊपर लग जाएगी ऐड। तो जैसे दोस्तों आप कोई चाहते कि मनपसंद भी आप एक ऐड लगा सकते हो, आपने सिर्फ उसी ऐड पे क्लिक करना है कि मेरी वीडियो पे यही ऐड आनी चाहिए, तो बाकी आपने क्लिक हटा देने हैं तो वही ऐड आपकी वीडियो पर आएगी। अब दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कैसे कर सकते हो, अगर दोस्तों आपकी वीडियो की लेंथ 10 मिनट से ज्यादा है तो आप अपनी वीडियो के ऊपर मल्टीपल ऐड भी लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे दोस्तों, जैसे दोस्तों मल्टीपल ऐड आपकी वीडियो पे तब आएंगे जब आपकी वीडियो की लेंथ 10 मिनट से ज्यादा होगी। ठीक है, तो जैसे आप वीडियो करोगे अपलोड वही सेम प्रोसीजर होगा, आपका मोनेटाइजेशन का ऑप्शन आएगा, आपने सभी ऐड पे कर देना क्लिक और सेव जरूर कर लेना। ठीक है, और जैसे ही आपके यहां पे देखिए ऊपर एक नीला सा बन के आएगा, यहां पे टाइमलाइन के नीचे टाइम नजर आएगा, आपने इसको थोड़ा सा 1 मिनट से ज्यादा का टाइम दे देना, तो आप इस तरीके से मल्टीपल ऐड लगा सकते हो। जैसे 1 मिनट के ऊपर आपने ऐड लगा दी, उसके बाद आपने 3 मिनट का टाइम देके फिर लगा दी, फिर 7-8 ऐड आप लगा सकते हो अपनी वीडियो पे, और ज्यादा से ज्यादा आपकी अर्निंग भी होगी मल्टीपल ऐड से। लेकिन ज्यादा अर्निंग करने के लिए मैं आपको कुछ एक नई जानकारी भी दूंगा, वो एक नई सेटिंग बताऊंगा। तो साथ में देखिए जैसे मोनेटाइजेशन का फीचर इसके अंदर आया था दोस्तों, तो साथ में एक एडवांस का फीचर भी आता है जिसके अंदर कैटेगरी हम सेट करते हैं, तो आपने कैटेगरी अपनी वीडियो से रिलेटेड कर देनी है। ठीक है, लेकिन मैंने कई ऐसे यूट्यूबर देखे हैं जो सभी वीडियो के एक ही कैटेगरी रखते हैं, चाहे वो जानकारी टेक्निकल दे रहे हो, चाहे फनी हो, कुछ भी हो, लेकिन वो उनका एक ही कैटेगरी रखते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करनी है तो आपने अपनी वीडियो की कैटेगरी जरूर सेट करनी है। अगर आप फनी डालते हैं तो वहां पे फनी का कर दें, एंटरटेनमेंट का कर दें, अगर आप कोई फोन की अनबॉक्सिंग करते हैं या कुछ और ऐसी जानकारी देखो टेक्निकल देते, तब जाके आप उसके अंदर टेक्निकल की टेक्नोलॉजी वगैरह आप इसके अंदर टेक्नोलॉजी साइंस कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा अगर आप ज्यादा से ज्यादा अर्निंग करना चाहते हैं तो अपनी वीडियो की जो कैटेगरी आपने पीपल एंड ब्लॉग में रखनी है या फिर आपने रखनी एजुकेशन, क्योंकि ऐसा करने से आपकी वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा ऐड महंगी ऐड लगेंगी और ज्यादा आपकी अर्निंग होगी। साथ में आपको मैं सबूत भी दिखा सकता हूं, प्रूफ दिखा सकता हूं, आप मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, इस वीडियो के ऊपर 18,000 से ज्यादा व्यूज आए हैं लेकिन अर्निंग आप देखिए क्या पॉइंट है, क्या अर्निंग है, कुछ अर्निंग नहीं है। लेकिन आप मेरी ये दूसरी वीडियो देख सकते हैं, इसके ऊपर आप व्यू भी देख सकते हैं और अर्निंग भी देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों ऐड लगती है महंगी क्योंकि इनकी कैटेगरी मैंने सेट की है और जिसकी वजह से मेरी वीडियो के ऊपर ज्यादा से ज्यादा महंगी ऐड लगती है। तो इस तरीके से दोस्तों आपने सेटिंग करनी है, आपको मैंने बता दिया मल्टीपल ऐड कैसे लगानी है, दूसरी ऐड कैसे लगानी है, तो इस तरीके से आप ऐड लगा सकते हो और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अगर पहली बार दोस्तों इस चैनल पर आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। फिर मिलेंगे दोस्तों आने वाली नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।